नाम कौलम मैं रब रहीम राम करे ना मैं उस रात नूं जिस महीने तो तुहानू पैदा किया जिस 18,000 मखलूक पैदा की है जिस तमाम चरण चरण है ना इंसान बनाए जिसने 14 तबक बनाए पाक नबी नूं जिस तजवीज किया मैं सलाम करे ना उस रब की जात नूं। उस तो बाद अर्ज ये है पलट कर देख ऐ जालिम शौक हम भी रखते हैं कार पे आप चढ़ते हैं तो साइकिल हम भी रखते हैं लेकिन आज तक जो असाडी जिंदगी में गुजरा वो असा इस तरह दिता जेड़ा जी हुकूमत कोई बर्बाद हुई है वो गरीबा दी आह तो बर्बाद हुई है क्योंकि गरीबा दी बद दुआ तो हुकूमत नु बचना चाहिए क्योंकि गरीबा की मदद करना चाहिए क्योंकि इस वक्त हुकूमत बेहतर बेहतर कुछ ने भलाई हुकूमत कर रही है और कीती है इस तरह बराए मेहरबानी करके तमाम गवर्नमेंट जेड़े आवाम दे हकूक हैं उन्होंने उन्होंने हकूक बहाल किए जावे क्योंकि जेड़े अपने जिस ना रकबा नहीं है 5 एकड़ रकबा ना उसने हकूक मलकियत किया जाए तो इस तरह बराए मेहरबानी करके मैं पाकिस्तान नूं पाक हुकूमत ए पाकिस्तान नूं इल्तजाई करता हूँ और मैं रह लेता हूँ बराए मेहरबानी करके तेल दे मुतल्लिक आपने किया है कुछ न कुछ आवाम इस गल ते खुश है या खाने पीने वाली चीज़ों पर अमल कुछ होया है सही आवाम भी कुछ गद्दार रेट कुछ होता है और ये आवाम नू रेट कुछ तो चीज देते हैं और ये भी लोग तकरीबन जरैम पेशा लोग हैं क्योंकि बड़े तो बड़े आदमी की इज्जत महफूज नहीं है बराए मेहरबानी करते दहशतगर्दी और इज्जत महफूज होनी चाहिए दहशतगर्दी का नामो निशान मिटना चाहिए और जेड़ी हकूमत हकूमत को ऐसे हिदायत करने है जो फांसी जड़ी है ना बहाल होनी चाहिए फांसी बंद होवन की वजह तो जिस वजह तो कतलो गारत ज्यादा है लोग नो डर नहीं है फैर मार दिसा बंदा मार दिसा फांसी तो नहीं है लेकिन फांसी भी बहाल होनी चाहिए क्योंकि एक बड़े आदमी वास्ते भी बेहतर है और आवाम वास्ते भी बेहतर है लोगों डर होता है और असी फांसी लगना ये अगर असी कतल किया था और नाकिस नाकिस लोग जड़े हैं असला लोग ले फिरते ते लोग बंदा मार देंगे उस बंदे मोड़ा उल्टा पैसा भी उसका लगता उसका हकूक ही उसको नहीं मिलता बराए मेहरबानी करके इस गल के मुतलक भी सोचना चाहिए क्योंकि इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जो है साड़ी बड़ी मदद कर रही है और बड़ी मदद कर रही है और असा उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत भी भलाई कर रही है और इसकी भलाई वास्ते असा उस दुआ देने हैं और बराए मेहरबानी करके बिजली के मुतलक ही होया जाए जेड़ा तनख्वाह 7 लाख लेंदा है 8 लाख लेंदा है 10 लाख लेंदा है 5 लाख लेंदा है तो 5 लाख लवन वाला 10 बंदे का हकूक मार जाता है तो वह बर्बाद कर जाता है तो उसने के करना होंदा है उस हुक्म चलावना रिश्वत कमावनी है वह लोग रश भी हैं तनख्वाह भी ज्यादा लेंदियां बराए मेहरबानी करके साड़ी जल्द जाइए असा रह लेने हैं 1 लाख रुपए तो उत्ते तनख्वाह नहीं होना चाहिए जेड़ा वापता है इस दे मुतल्लिक इन्होंने छानबीन की जाए क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है तनख्वाहदार वापता दे जेड़े वड्डे वड्डे मुलाजिम हैं इन्हां लोगां जिथे बैठे होंदे ने बावणी कुर्सी ते इन्हां नूं इंसानियत भी भुल जांदी बिजली चोरी जेड़ी है वह तुसीं फड़दी है और वापता ले हर वापता दे लोग जेड़े ने चोरी बिजली बलेंदे ने और इन्हों फरी बिजली नहीं होनी चाहिए और आवाम लिए तो बिल अदा करें और इन्होंने फरी बिजली जड़ी है आवाम से बोझ नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के हर सूबे तो बिल वसूल होना चाहिए सिर्फ पंजाब वास्ते मुसीबत नहीं है बराए मेहरबानी करके मैं दुआ देता हूँ और आवाम के मैं रोड लाड़कर तुरदा फिरता हूँ आवाम दियाँ खुशहालियां मैं पता है
और साड़ी रोज भी आवाम नाल मुजाकरात हों देन। आवाम इस वक्त वजीर आजम साहब जनाब आला आप लई इस बार कुछ ना कुछ खुश है आवाम, लेकिन इस बिजली का बहरान बड़ा आयो है, लोगों ने बड़ा बर्बाद है, क्योंकि एक लोग ने पांच बच्चे दस बच्चे तनख्वाह है 10,000 माजूर फंड है लोग माजूर फंड जिन्होंने रोजी नहीं मिलती माजूर फंड लोग ने बंद किए हुए गवर्नमेंट ने, मजदूर का हक मजदूर मिलना चाहिए और जो तनख्वाहदार हैं इन्हों उस ज़कात लागू करना चाहिए और इन्होंने गोशवारे जो है इन्होंने गोशवारे ले जावन जी हुकूमत भी आती है ना वो आद्या सार इन लोगों की तनख्वाह वावन की कोशिश करती है पहले, क्योंकि तनख्वाह इसलिए वे देंगे भी ये मुलाजिम सानू छेड़े नहीं और ये कानून खत्म किया जाए जी हुकूमत भी आवे इन लोगों की तनख्वाह वधावन की कोशिश मत करे। बड़ा मेहरबानी करके मैं अपने अल्फाजों की मदद चाहता हाँ, या अगर मैं कोई गलत अल्फाज किया है तो मैं उसकी मदद चाहना, मैं कौम मैं आवाम मैं हुकूमत से इजाजत चाहता हूँ और दुआ देता हूँ बड़ा मेहरबानी करते पांच एकड़ रकबा जिन लोगों ने ना रकबा नहीं उन्होंने ना पांच एकड़ रकबा अलाट किया जाए और मवेशी पाल टेंडर जो है वो सटे खत्म करके वो रकबे इन्होंने अलाट किए जाए। जेड़े लोग जिम्मेदार हैं पंजा मुरबा 10 मुरबे 20 मुरबे 2 मुरबे रकबा गवर्नमेंट का ना पवाई बैठे बड़ा मेहरबानी करके वो रकबे तमाम खत्म किए जाए और रकबा आवाम मुंतखब किया जाए पांच एकड़ रकबे से जिस बंदे ने ना रकबा नहीं उन पांच एकड़ रकबा ना उसे किया जाए ताकि गुरबत आई जावे महंगाई तो वो हर शाय अपने घर चु बरामद कर सके क्योंकि वो सब्जी गंदम शमदम घर गाड़ के अपना गुजारा कर सके, इसलिए मेरी राय है पांच एकड़ रकबा होना चाहिए और काफी लोग घर बेघर हैं छोड़े उन लोगों को झुग्गी बांधती नहीं बड़ा मेहरबानी करके उन्होंने प्लाट भी अलाट किया जाए 7 मरले रकबा प्लाट अलाट किया जाए क्योंकि बड़ा मेहरबानी करके वो अपने घर आबाद रहे, लोग किराए भरन तो बड़े तंग हैं शहर के लोग शहरी जड़े किराए भर भर के उन्होंने लोगों को रकबे बांधते नहीं हैं, लेकिन जिन्हों को हैं वो लोग 7 मरले 10 मरले रकबा ला के उन्ना डाडा भी प्लाट अलाट किए हुए उन्ना किराए से लेंदे जेड़ा 2,000 रुपए किराए थे वो 20,000 रुपया उन्होंने किराया वो लेंदे उसके मुतलक ही कोई सोचा जाए जेड़ा अपना किराया ही है उसके मुतलक कोई मखसूस जी रकम अदा की जाए क्योंकि इस वास्ते हिदायत की जाए किराएदार मकाना किराएदार मैं हुकूमत से इजाजत चाहता हूँ और दुआ देता हूँ मैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद हुकूमत पाकिस्तान।